वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द भारद्वाज अकेडमी एंड आई होप सो यू विल बी हैप्पी। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग सम टिपिकल प्रॉब्लम फ्रॉम द वे ऑप्टिक्स। तो ये हमारा एनसीईआरटी का 10.5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इन वाई डी ऐसी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेव लेंथ लेमडा द इंटेंसिटी इज फाउंड के, और यहाँ पे क्या है के यूनिट लेट वेव समथिंग, वेयर द पाथ डिफरेंस वाज लेमडा। नाउ फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेयर पाथ डिफरेंस इज लेमडा बाई 3। वेरी क्लियर। अब देखो हमें देखना है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो हमें क्या पता है कि इंटेंसिटी होती है I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 रूट, और यहाँ पर क्या होता है cos थीटा या इट में भी cos फाई। ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है कि मोनोक्रोमेटिक, तो इसका मतलब क्या है कि Y1 इक्वल टू Y2। मोनोक्रोमेटिक क्या होती है, दोनों क्या है सेम वेवलेंथ होंगी, तो इंटेंसिटी भी क्या आएगी सेम। तो Y क्या हो जाएगा हमारे पास I1 प्लस I1 और प्लस 2I1, तो इसका करेंगे I1 का स्क्वायर, और हम कह रहे हैं कि cos थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2I1 प्लस 2I1 और cos थीटा। अब देखो दिस इज द इंटेंसिटी। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर पाथ डिफरेंस क्या है लैम्डा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि डेल्टा फाई या कह देंगे थीटा कितना होता है के इंटू डेल्टा एक्स। तो के की वैल्यू क्या होती है 2π/λ और डेल्टा एक्स क्या है फर्स्ट कंडीशन में लैम्डा, तो लैम्डा विल बी कैंसिल आउट। तो थीटा कितना है पहले केस में 2π। 2π का मतलब क्या होता है ये हो जाएगा 360 और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो आई नॉट क्या हो जाएगा हमारे पास, या आई आर बोल देंगे इसको 4I1, या सिंपल क्या मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे कि जो I1 है उसको आई नॉट मान लिया, तो क्या हो जाएगा 4I0। ठीक है नहीं। और ये किसके बराबर है के, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे I0, तो इट विल बी K/4। तो ये हमने क्या फर्स्ट कंडीशन से फाइंड करा, दिस वाज फाउंड बाय द फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। अब हमें क्या देखना है कि सेकंड कंडीशन क्या है। तो सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, इफ थीटा कितना देना है इस बार आपको 2π/λ के की वैल्यू, और इस बार क्या है λ/3, तो कितना होगा 2π/3। थीटा कितना होगा 2π/3, मतलब 360/3, तो थीटा कितना हो गया हमारे पास 60। थीटा कितना हो गया 60 हमारे पास। अब देखो इसको हम यहाँ लगा सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा IR, तो क्या हो जाएगा 2I0 प्लस 2I0, और cos 60 क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो cos 60, तो वी कैन यूज cos 60 वेरी इजीली, तो क्या हो जाएगा 2π/3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास ये, तो यहाँ पर क्या लेंगे आप इसको जो है 2π/3, मतलब 360/3, तो कितने जाएगा 12, तो 120 है। थीटा कितना इस बार हमारे पास 120, और cos 120 कितना होता है -k/2, तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा 2I0 - I0, तो कितना आ गई I0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो आई आर है सेकंड कंडीशन में किसके बराबर है I0 के इक्वल है, और I0 क्या है इस बार k टाइम्स, तो आई आर कितना आ गया इसको आप क्या कह देंगे K/4। तो जब पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या है λ/3 है, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी K/3, जब k क्या है कि हमारे पास जो पाथ डिफरेंस कितना था लैम्डा था। तो आई होप सो वेरी सिंपली आपको समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, बोर्ड में कई बार पूछी जा चुकी है, तो आप वीडियो को देखें और रिपीट करें और इसका एंजॉय लें।